आपसे भी जानना चाहते हैं कि राधा कृष्ण के लिए आपका कोई स्पेशल मोमेंट सुनाए कि तुम प्रेम हो के एग्जीक्यूशन के लिए आप बहुत इमोशनल थे, बहुत प्रिपेयर्ड थे, तो आपका क्या स्पेशल और बेस्ट मोमेंट है इस शो के लिए? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर ये जो जो गाना है तुम प्रेम हो, मुझे अभी याद है जब पहली बार नितिन ने मुझे सुनाया था, तो तब मैं राधा कृष्ण के मेन टाइटल सॉन्ग के बारे में सोचता था कि हमारा मेन राधा कृष्ण जो हमारी मेन थीम है जो फाइनली बनी, उस समय वो बनी हुई थी, तो मैं उस पर काफ़ी सोचता था कि वो कैसे होगी। तो उतने मैंने एक बार तुम प्रेम हो गाना मेरे को नितिन ने सुनाया था, तब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, तो यू नो अभी उस तरह सोच रहे हैं अभी ये ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद मैंने नहीं फिर से जब वो गाना एक बार सुना तो मुझे लगा कि यार उस पर ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छा गाना है, इसको हम कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो जब हम शूट करने पहुँचे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किस तरीके से उसको शूट करना चाहिए, उसको मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ा। मैं सेट पे था और मैंने देखा किस तरह से हम लोग उसको प्लान करते शूट करने का, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने अपना वो गाने को सुना, मैं एक दो दिन के लिए शूटिंग कैंसिल कर दी और मैंने बोला दो दिन मुझे दो, मैं इसको बनाता हूँ। और फिर शॉट बाय शॉट, बीट बाय बीट, हर शॉट हर कट पे क्या होगा, किस तरीके से राधा कृष्ण बिछड़ेंगे और वो गाना हर एक कैसे शूट होगा, वो गाना कम्प्लीटली मैंने अपने हिसाब से फाइनली कब तक शूट किया याद भी नहीं मुझे, सुबह 10-11 बज गए थे, सब लोग गिर गए थे सेट पे, तो वो गाना हमने उस तरह से शूट किया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे लगा कि क्योंकि रोमांस किस तरह की है, कहानी उसकी इमोशन बहुत प्योर चीज़ है। तो जैसे ये कहती है ना कि आप बहुत चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या समझने की कोशिश करते हो, पर जैसे ही आप बोलते हो कि चलो अब आप बताओ कैसे कहना है इसको, चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो ये सेम चीज़ इसमें भी हुआ कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट एटलीस्ट 1000 टाइम्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे कहना है, एंड थोड़ी थोड़ी आई गॉट टू नो कि इस कहानी को इस तरीके से पेश करना है। या जब सुमित जब कृष्ण पहली बार राधा को मार्केट में मिलेंगे, जब वो मटकी तोड़ने वाला सीन किया था हमने, एक के बाद एक मटकी तोड़ रहा है, और पहली बार जब कृष्ण राधा को देखते हैं और पूछते हैं नाम क्या है तुम्हारा, वो बोलती है राधा, उसके पहले पूरी दुनिया रुक जाती है, और तुम प्रेम गाना स्टार्ट होता है, उनके बीच से आते हुए किस पॉइंट पर वो घूम के देखता है, वो सुमित के साथ शूट किया, और उसका पूरा डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड कि ये एक सेलिब्रेशन ऑफ लव, प्रेम का अर्थ समझाने के लिए राधा कृष्ण की स्टोरी इस धरती पे हुई, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट कर पाए, किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचा पाए। ये कोई ड्रामा सीरीज नहीं थी, ये कुछ ऐसा नहीं था कि ये कोई उसे मार ले रहा है, ये एक मेरे लिए कलर रोमांस फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन इस तरह का सुन था। तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि एक म्यूजिकल कहानी कही जाए, कि हम राधा कृष्ण को ऐसा म्यूजिकल बना। तो इनिशियली लगा कि म्यूजिकल कैसे, नॉर्मली तो हम बैकग्राउंड में श्लोक्स डालते हैं या ड्रामा डालते हैं, पर राधा कृष्ण में मोर देन 100-150 गाने हमने रिकॉर्ड किए हैं, दी एंड ऑफ इट सारे ओरिजिनल गाने हैं। तो एट द बिगिनिंग मुझे लगता था कि अगर हम इसको एज अ सेलिब्रेशन ऑफ रोमांस बना पाएँ, इसके लिए ओरिजिनल गाने रिकॉर्ड कर पाएँ, आज कहाँ कहाँ से लोग मुझसे वो गाने मांगते, तो पूरी टीम की एफर्ट है, हम सब ने जो करने निकले थे वो लोगों को अच्छा लगा। सो ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, पर दिस वन इज समथिंग स्पेशल। सर वन मोर थिंग, वैसे तो राधा कृष्ण में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो फेमस हो गए हैं, कुछ टैगलाइंस हैं, लेकिन एक स्पेशल है कि जग प्रेम करता है प्रेम पाने के लिए, राधा कृष्ण ने प्रेम किया प्रेम समझाने के लिए, तो ये कहाँ से आया, लाइक द मोमेंट कि क्या डिस्कशन चल रहा था और ये लाइन आया? हम काफ़ी टाइम तक इस पर काम कर रहे थे और करते करते एक पॉइंट पर ऐसा था कि मैं उत्कर्ष हमारे एक और राइटर हैं और विनोद शर्मा जो मेन राइटर हमारे डायलॉग्स पे पूरी कहानी पे, तो जितने तुमने खुद मालूम है जितने भी 1000 में जो हर एपिसोड में जो ज्ञान दिया है तो विनोद शर्मा ने लिखे हैं सारे के सारे। तो विनोद बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, हम लोग बैठ के काफ़ी बात कर रहे थे कि एक लाइन में प्रमोशन में कैसे प्रमोट किया जाए, क्यों ये कहानी हुई इस धरती पर। तो विनोद ने बहुत सारे लाइन लिखे थे, उनमें से एक लाइन ये थी, तो विनोद कैसे है कि वो कॉन्स्टेंटली इतने आइडियाज आते हैं उसको, तो कॉन्स्टेंटली लाइन पर लाइन बोल रहा था, मैं उत्कर्ष बैठे हुए थे, तो विनोद ने ऐसी वाली लाइन कही और वो आगे बढ़ के टीचर वाले चलने लग गया और मैंने उत्कर्ष से बताई सके गुजर गया, इसके पहले क्या बोला था उसने, बोला ये वाली नहीं ये वाली इसके पहले, ऐसे करते करते विनोद ने बोला कि जग करता है प्रेम प्रेम पाने के लिए, इन्होंने किया प्रेम प्रेम समझाने के लिए। तो लगा कि वाह ये हुई ना बात, इसमें एक भाव है, एक गरिमा है, एक रिस्पेक्ट है, और एक पूरे शो को एक जो चीज़ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ से आया और यहीं से पूरी चीज़ शुरू हुई। तो ऐसा रहा उसकी कहानी। फिर राधा कृष्ण की जर्नी से, लाइक जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, देवी राधा हैं, ये शो करने के बाद आप लोग कितना कनेक्ट कर पाते हो उस चीज़ को कि हमने ये सीखा है, उनकी आइडियोलॉजी जो है राधा और कृष्ण की, तो आप अपने जीवन में कितना उनको उतारे हो और कितना बदलाव आया है? ये बदलाव लाना आसान नहीं है। एक होता है कि हम ऑटोमेटिकली इतने डिवाइन किरदार लेकर के हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, गुड चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बेटर ह्यूमन बींग्स बन गए हैं।
इसी के साथ ना, ये जो इतने लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि आप तो हर एपिसोड के एंड में जो ज्ञान देते हो वो आपको भी कम्प्लीटली चेंज करता होगा, बट एक वहीं पे एक और सीख जुड़ी है कि विजडम सिर्फ सुनने से एक थोड़ा इम्पैक्ट होता है, उसे आचरण में लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हम पर कोशिश करते हैं कि यू नो एटलीस्ट मार्ग प्रशस्त हो जाता है हमारे लिए, यू नो वॉट एवर वी नीड टू डू, क्लैरिटी आज के डेट में खोज पाए। आई थिंक सो, आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट दिस कैरेक्टर। नहीं, बोलूंगी कि वहाँ जब हमने एंटर किया जितने हमारी साइज है वहाँ की एनर्जी, हम सब लोग जब पहली बार शुरू कर लेते रात से उठ गई होगी, इतना मैजिकल है पीछे का माहौल भी, मेहनत तो अलग चीज होती है। बट मैं मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा है कि पहली बार तो आप सर आप कैसे सोचते हो और कैसे उस चीज़ को आपका जो विजन होता है उसको आप स्क्रीन पर लाते हो, कितना मैजिकल है सबके लिए, दुनिया के लिए, और उसके बाद बाकी सब आता है। पहले ऐसा सोचना और इतना कन्विक्शन के साथ सोचना है। राधाकृष्ण ने एक और चीज़ तेरी मेरे को याद आ गया कि मैं चाह रहा था कि हम पूरी चीज़ को क्योंकि इतना डिवाइन रोमांस था, कहीं ना कहीं अगर हम इसके कम्प्लीटली इसकी सारी लाइटिंग मेरे कंट्रोल में हो, मैं उसे ऐसे शूट कर पाऊँ कि जैसे नॉर्मली अगर हम आउटडोर में रहते तो विजुअल वो नहीं आ पाता है, तो इसके सारे सेट इसके सारे इंडोर में लगे, सारे जंगल फील, हम रोमांस को इस तरह से दिखा पाएँ कि आपको फीलिंग आए, उसके लिए वो वाला भी बहुत मैंने भी पहले किया था, सारी की सारी दुनिया ही अगर हम फ्लोर के अंदर लगाएं और उसके अंदर ही शूट करें तो भाई लाइटिंग कंट्रोल हो गया, लाइटिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, बड़ा छोटा होगा, पर विजुअल एंगल से वो ऐसा लगे इससे तुम्हारा पूरा मार्केट स्ट्रीट मोहल्ला सब कुछ ही हमने इंडोर सेटअप किया, सारे तुम्हारा घर भी हुआ था, यू नो हर एक चीज़ हम इंडोर कर रहे थे, तो